हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और ऐसे में कभी कभी स्किन बेहद रूखी बेजान सी लगती है, चेहरा काफ़ी ज़्यादा डल दिखता है और उस पर निखार नहीं दिखता है, ग्लो नहीं दिखता है। तो जैसे कि कभी ना कभी चेहरा इस तरह दिखने लगता है कि कितनी भी ठंडी हो लेकिन हम अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ केयर करने के लिए ज़रूर लगाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोग को नेचुरल एक फेस पैक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे वीक में लगा लेते हो एक बार तो भी आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और निखरा हुआ दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप वीक में लगाओ ही, आपकी नई मर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आप तब लगाइए जब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा रूखा बेजान डल सा दिखे। तो इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ की हूँ जो कि आपको बाहर से लेना पड़ेगा। आई होप सबके घर में मिल जाएगा। 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बेहिचक लगा सकते हो। कैसी भी स्किन हो आपकी, ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल, आप सभी लोग लगा सकते हो। सेंसिटिव के लिए मैं बीच में बताऊंगी कि आप क्या स्किप करना है, क्या आपको ऐड करना है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड, चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा और किस तरीके से इसे लगाना है। तो इस नेचुरल फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोटैटो, ऑरेंज के छिलके और एक हाफ लेमन है उसका आपको छिलके सहित लेना है। उसमें थोड़ा बहुत रस होना चाहिए और उसका पूरा छिलका आपको ले लेना और इसे साफ मिक्सर ग्राइंडर जार में आपको डाल देना है और थोड़ा सा वाटर मिलाकर आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद इसे आपको छानना है छन्नी की मदद से ताकि इसका प्योर रस निकल सके, इसके जो ऊपर का खुरदरापन है वो सारा निकल जाए। आपको केवल इसका एक नेचुरली प्योर रस चाहिए और इसका जो रस है वो विटामिन सी से भरपूर है, साथ में नेचुरल प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगे, जैसे कि चाहे वो पोटैटो हो या लेमन के छिलके हों या आपके ऑरेंज के छिलके हों, सभी में विटामिन सी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये हमने लिया था 2 से 3 टीस्पून दही और दही में हमने उसी रस को ऐड कर दिया है और फिर से मैं उसमें बेसन यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो फेस पैक है फ्रेंड्स, विटामिन सी का खजाना है। इसमें विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा और प्रचुर ये जो विटामिन सी होता है ये हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप अगर इस तरीके से अपने चेहरे पर लगाते हो तो आपके चेहरे के डेड स्किन एक ही बार में रिमूव होते हुए नज़र आएंगे। और लास्ट में आपको बेसन ऐड करना है। बेसन तो आप लोग जानते हैं कि सदियों से हमारे ब्यूटी टिप्स में यूज़ किया जा रहा है। बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बेसन हमारे स्किन को ब्राइट करता है, स्किन के डेड सेल्स को दूर करता है, साथ ही आपके चेहरे को स्पॉटलेस बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। और सबको मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाकर आपको मसाज करना है और मसाज कम से कम आप घड़ी देखकर 2 मिनट ज़रूर कीजिएगा। और मसाज थोड़ा आप तेज़ हाथों से करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है। और जो आपने छाना है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को, ऑरेंज पील हुए, पोटैटो हुए, आप चाहे तो उसको स्क्रब के रूप में भी यूज कर सकते हो। आप अपने गर्दन पैर पर भी उसे लगा सकते हो और इस तरीके से आप उसके रस का यूज किए हो तो इसमें बिल्कुल भी आपको दर्दरापन नहीं मिलेगा। इसलिए आप इससे मसाज करोगे, मसाज करना बेहद ज़रूरी है। मसाज करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग करेंगे। आप इसे अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे फुल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यही पैक आपको एक लेयर लगा कर छोड़ देना होगा 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा ये समझिए कि 10% आपका ना ड्राई रहे, उसी समय आपको इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए, मैंने अपने हैंड में भी लगा लिया था और फेस पर भी, तो इसे मैंने 10 मिनट बाद निकाल दिया था और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी, डेड सेल्स बिल्कुल दूर होते हुए नज़र आ रहे थे। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल दिख रही थी, मैंने एक वीक से कुछ भी नहीं लगाया था फेस पे। और उसके बाद आप टोनर, रोज वाटर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और आप जो मॉइस्चराइजर, क्रीम, जेल लगाते हो उसे भी अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद।